आज ग्राम सिकरी खुर्द में मोदी नगर से कांग्रेस विधायक पद प्रत्याशी नीरज कुमारी प्रजापति द्वारा जनसंपर्क के दौरान महामाया मंदिर के पास नाले में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पुलिस को फोन कर सूचित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज योगी राज में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। आइए आज सुनाते हैं क्या कहा नीरज कुमारी प्रजापति जी ने। यहाँ जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए आए सीकरी में, तो हम लोग इधर की तरफ आए तो हमने देखा कि एक अज्ञात महिला की लाश यहाँ पे पड़ी है। पुलिस को एसडीएम वगैरह को हमने सूचित करने की कोशिश करी, तो यहाँ पुलिस आई है। देखा है जो आप ये देखिए ना कि वही जहाँ हम घूम रहे हैं, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, यहाँ सुनने में आया है कि योगी जी आ रहे हैं, तो आए और देखें कि यहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। किस पे भाषण देंगे आप, क्या सपने दिखाओगे आप लोगों को, जब जिस प्रदेश में आप हो, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, और आज ये आप ही के सामने, आप ही के क्षेत्र में जिसमें हो रहे हैं, वहाँ महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है। पता नहीं क्या दिन पहले की लाश है, ये भी नहीं पता कि कब की लाश है। मतलब कहने का ये है कि पूरा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है बुरी तरीके से, और महिलाओं की सुनने वाला आज के टाइम पे यहाँ कोई नहीं है। बच्चियाँ हमारी सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। ये सरकार हर तरीके से फेल है और बड़े बड़े दावे करती है। इतना रोज मेरी आंखों में आज आंसू है, इस जो भी ये महिला है, पता नहीं इसका परिवार कब से परेशान होगा, ढूंढ रहा होगा। और आज की जो हकीकत है कि इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके से प्रताड़ित करके या किस तरीके से ये महिला यहाँ पहुंची। गटर गंदा हुआ पड़ा, कैदिन में पता नहीं बह के यहाँ की तो नहीं लग रहा है, पीछे से आई है जैसा कि उसमें देख के पता चल रहा है, लेकिन कहाँ से बह के आई है। अगर इतनी गंदगी ये है कि अब तुम मंत्री आ रहे हो तो यहाँ सफाई हो रही है तो बह के आ गई, उससे पहले यहाँ क्या इंसान नहीं रहते, उनकी साफ सफाई मतलब जरूरी नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए ना बड़ी शर्म की बात है कि ये जो है, ये हमने इन लोगों को वोट करते हैं और ये हमें सुरक्षा भी नहीं दे पाते। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।